महंगाई के तूफान में शिद्दत आ गई। 10 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। जनवरी में महंगाई की औसत शरह 14.6% तक पहुंच गई। सब्जियां, दालें, गोश्त, आटा, घी सब महंगा। बिजली, पेट्रोल और गैस के बिल भी पहुंच से बाहर। महंगा इलाज मजीद महंगा हो गया। चीनी की कीमतों के ऊपर लग गए मुसलसल इजाफे का सिलसिला ना रुक सका। एक हफ्ते में चीनी मजीद 1.17 रुपए फी किलो महंगी। चीनी की कीमत 79.06 रुपए फी किलो हो गई। अवामी नुमाइंदों को अपनी फिक्र, महंगाई से तंग अवाम को भुला दिया। स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और अरकाने पार्लियामेंट घबरा गए। वजीर आजम इमरान खान के बाद अरकाने असेंबली का भी बढ़ती महंगाई से गुजारा मुश्किल हो गया। अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। गरीब आवाम की किसी को भी परवाह नहीं। विफाकी अफसरों की तनख्वाहों और अलाउंसेस में भी 120% इजाफे का ड्राफ्ट तैयार। खजाना डिवीजन समरी वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। विफाकी सेक्रेटरीज कमेटी का जल्द जायजा इजलास तलब करने का फैसला। फारूक सत्तार का महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का इशारा। कहते हैं चीनी और आटे के बाद मुल्क में कपास का बहरान आने वाला है। सियासी जमातें महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करें, साथ देंगे। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद के ताजर फिर मैदान में आ गए। घंटा घर चौक पर एहतजाजी कैंप लगा दिया। अंजुमन ताजिरान का तमाम एसोसिएशंस का साथ देने का फैसला। 50,000 से ज्यादा की शॉपिंग पर खरीदारों को शनाख्ती कार्ड की कॉपी देना जरूरी। फैसले का आज से इतलाक हो गया। कराची ताजर इतिहाद के सरबरा अतीक मीर का कहना है कि वो फिलहाल इस शर्त को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। क्या हो रहा है, मैं शायद मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कराची जाना है। अगली दफा आके उनसे पूछूंगा ये क्या हो रहा है और मुझे वो जरूर बता देंगे क्या हो रहा है। चौधरी कहीं नहीं जा रहे, मैं आपको श्योर करता हूँ, चौधरी और MQM कहीं नहीं जा रही। बाकी का मैं किसी का कह नहीं सकता। नवाज शरीफ ने आना नहीं, मरियम ने जाना नहीं, शहबाज आ सकता है। आपको यकीन होना चाहिए कि मैं हर कैबिनेट में अपना बिल लेके जाता हूँ। बिजली कई कैबिनेट में, हर में नहीं। आटे का मैंने कहा था कि इन्हें ना एक्सपोर्ट की जाए। चीनी का मैंने कहा था, इमरान खान साहब से कहा है कि हमारी अपोजिशन ना पीपल्स पार्टी है ना नून लीग है, ये खत्म हो चुके हैं। हमारी अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ महंगाई है, जिसे इमरान खान की क़यादत में खत्म कर। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने महंगाई को अपोजिशन करार दे दिया। बोले, हमारी अपोजिशन सिर्फ महंगाई है। चौधरी बरादरान और MQM कहीं नहीं जा रहे। नवाज शरीफ ने आना नहीं, मरियम नवाज ने जाना नहीं, शहबाज शरीफ आ सकते हैं। मुकम्मल एतमाद है कि चीन की हुकूमत जो इस सिलसिले में इकदाम कर रही है वो गुड पब्लिक हेल्थ है। वो पब्लिक हेल्थ के जो के तहत जो वो इकदाम कर रहे हैं उससे वो इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अपने लोग, उनके मुल्क में दूसरे मुल्कों के लोग और बाकी दुनिया में बसने वाले लोग इस वबा से बच सके। कोरोना वायरस से मुतासर तलबा के हवाले से पाकिस्तान का चीन से मुआहदा। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कोई पाकिस्तानी 14 रोजा निगहदाश्त में रहने तक चीन नहीं छोड़ सकता। किसी की नकल करते हुए अपने लोगों को मुश्किल में नहीं डाल सकते। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं। वायरस की तशखीस के लिए किट्स आज मिल जाएंगे। IG कलीम इमाम को हटाया जाए। वजीर आला सिंध का तीसरी मरतबा वजीर आजम को खत। IG गैर संजीदा बयानात से सूबाई हुकूमत की तौहीन कर रहे हैं। गवर्नर को मुशावरती अमल में शामिल करना दुरुस्त नहीं। विफाकी काबीना का फैसला 1993 के माहिदे की खिलाफ वर्जी है। मुराद अली शाह का 5 नामों से किसी एक को IG मुकर्रर करने पर इसरार। लालायक और नायल हुकूमत का साथ छोड़ें ताकि इस मुल्क के लोग भी उनको दुआएं दें और वो लोगों के पास जाकर कह सकें कि हमने महंगाई की बिना पर
हमने जो मुसीबत आपके सर पे आई हुई है उसकी बिना पर इस हुकूमत को लात मारी है, और जब छोड़ के आएंगे तो जाहिर है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो अपोजिशन की जमात है और MQM अगर हमें ज्वाइन करेगी तो हमने जरूर कैबिनेट में भी शामिल है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर में जो आईन था ना वो पढ़ लिया है जिसमें गवर्नर असेंबलियाँ तोड़ सकता था, जो आज का आईन है उन्होंने पढ़ा नहीं है। आज के आईन में तो गवर्नर अपनी गाड़ी के पेट्रोल के पैसे भी नहीं दे सकता। आज सिंध विफाक को अंगूठा दिखा रहे हैं, अमली तौर पर पुलिस का सरबरा सूबाई हुकूमत के कहने पर नहीं है। सईद गनी कहते हैं गवर्नर सिंध सिर्फ मौजे करने के लिए हैं, जो सुकून चाहते हैं उन्हें PTI का साथ छोड़ना होगा। नासिर शाह का IG को मशवरा, कहा कलीम इमाम छुट्टियों पर चले जाएं। इतिहादियों से रابطے तेज करने का फैसला, इतिहादियों से किए वादे पूरे किए जाएंगे। वजीर आजम ने इतिहादियों के लिए बनाई कमेटियों को फौरी रابطوں की हिदायत कर दी। मियां नवाज शरीफ की हतमी मेडिकल रिपोर्ट हुकूमत को भेज दी, डॉक्टर अदनान का ट्वीट, मेडिकल रिपोर्ट नोटरी पब्लिक और पाकिस्तानी हाई कमीशन से भी तस्दीक शुदा है। रिपोर्ट में स्कैन, मर्ज की तशखीस बारे तिब्बी राय भी शामिल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाका नवासी ने मियां नवाज शरीफ की बात मान ली। LNG केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त आई। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा, हुकूमत ने दरख्वास्त गुजारों से 50 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। मंसूबों का नामो निशान नहीं, सस्ते घरों के ख्वाहिशमंदों से 250 रुपए फी दरख्वास्त ले लिए गए। मंसूबे की तशहीर पर 11,59,35,000 खर्च हुए। पानी मांगो हम दूध देंगे, तुम दूध मांगो हम खीर देंगे, और अगर तुमने कश्मीर मांगा तो हम चीर देंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेरी जान, मेरी आन, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सुनो मोदी, तेरे टुकड़े हवाओं में उड़ा देंगे, जमाना याद रखेगा, तुझे ऐसी सजा देंगे, निकल जाओ कश्मीर से। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 5 फरवरी, मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों से यकजहती का दिन। पाकिस्तान भारत का घनौना चेहरा दुनिया को दिखाएगा। आप भी कश्मीरियों की आवाज बने, हम आपका पैगाम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। पिशावर में मदरसे की छत गिर गई, हलाकतों की तादाद 3 हो गई, तमाम अफराद को निकाल लिया गया, 3 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। लाहौर जिमखाना के इलेक्शन के लिए पोलिंग, मिसबाउर रहमान और कामरान लाशारी पैनल में कांटे का मुकाबला। वजीर दाखिला एजाज शाह, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी वोट कास्ट किया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 16 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। अजहर अली कप्तान होंगे, आबिद अली, असद शफीक, बाबर आजम, फवाद आलम, मोहम्मद अब्बास, बिलाल आसिफ, शान मसूद शामिल। शाहीन अफरीदी, इमामुल हक और यासिर शाह भी टीम का हिस्सा। चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक का कहना है बेहतर कॉम्बिनेशन के लिए तब्दीलियाँ की गयी। और कराची आर्ट्स काउंसिल में उर्दू अदब फेस्टिवल का दूसरा रोज, मारूफ शायरों और अदीबों की शिरकत, किताबों की भी रोनमाई। तुम पानी मांगो हम दूध देंगे, तुम दूध मांगो हम खीर देंगे, और अगर तुमने कश्मीर मांगा तो हम चीर देंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सुनो मोदी, तेरे टुकड़े हवाओं में उड़ा देंगे, जमाना याद रखेगा, तुझे ऐसी सजा देंगे, निकल जाओ कश्मीर से। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 5 फरवरी, मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों से यकजहती का दिन। पाकिस्तान भारत का घनौना चेहरा दुनिया को दिखाएगा। आप भी कश्मीरियों की आवाज बने, हम आपका पैगाम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
पिशावर में मदरसे की छत गिर गई, हलाकतों की तादाद 3 हो गई, तमाम अफराद को निकाल लिया गया, 3 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 16 रुकनी कौमी टीम का ऐलान, अजहर अली कप्तान होंगे, आबिद अली, असद शफीक, बाबर आजम, फवाद आलम, मोहम्मद अब्बास, बिलाल आसिफ, शान मसूद शामिल, शाहीन अफरीदी, इमामुल हक और यासिर शाह भी टीम का हिस्सा। चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक का कहना है बेहतर कम्बिनेशन के लिए तब्दीलियां की गई। और कराची आर्ट्स काउंसिल में उर्दू अदब फेस्टिवल का दूसरा रोज, मारूफ शायरों और अदीबों की शिरकत, किताबों की भी रोनमाई।